मुसीबत की इस घड़ी में भाऊ की तरह कुछ और भी फरिश्ते हैं जो जरूरतमंदों का हाथ थाम रहे हैं, उन तक प्राणवायु, कही जाने वाली ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। महामारी के दौर में ये लोग उम्मीद की मशाल जला रहे हैं। लोगों के मरने की कोई चिंता नहीं है, सारे लोग मर रहे हैं, कोई अपने जाने को तैयार नहीं। हर घंटे, हर मिनट, हर शहर से ऐसी ही तस्वीर आती है। एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से इनके 5 पेशेंट एकदम एक्सपायर होते हैं, तो ये जो दिल को झकझोर देती, 21वीं सदी के हमारे दावों का दम निकाल देती है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद अगर जिंदा है तो सब कुछ मुमकिन है, और महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग उम्मीदों की मशाल जला रहे हैं। सफेद शर्ट और ग्रे पैंट में खड़े हुए हैं अनिल चौधरी। अनिल पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में रहते हैं और इस वक्त ये लोगों के बीच ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच अनिल जरूरतमंदों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अनिल अपने पैसों से 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद चुके हैं और हजारों बार उसे रिफिल करवा चुके हैं। जहाँ से भी हमें मिल रहे हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ से परचेज करते हैं, और बिना लोगों से, बिना पैसे लिए और अपनी निजी पूंजी से हम लोग सबकी मदद कर रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कर चुके हैं, और इसके अलावा हम लोग मुफ्त वैक्सीन भी लगा रहे हैं लोगों को, जो लोग सक्षम नहीं है। अनिल ने अपनी एक टीम बनाई जो लगातार उन लोगों से संपर्क करती है जो भी लोग मदद के लिए कॉल करते हैं, और उन तक हर संभव ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने खुद मुझसे संपर्क किया, मैं तो बस बोर्ड की फोटो क्लिक कर रही थी, इनकी टीम ने मुझे देखा और ये इनकी टीम मेरे पास आई है। उन्होंने अप्रोच किया कि आप ऐसे ऐसे सिलेंडर ढूंढ रहे हो तो हम आपको बताइए कहाँ चाहिए सिलेंडर, आप हमें अपना एड्रेस बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, सब मैंने दिया। अरविंद भैया से मेरी, अरविंद भैया के खुद बार बार फ़ोन आते रहे मुझे कि हम कर रहे हैं इंतजाम, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को चाहिए, क्यों बहुत लंबी है, और इन्होंने जो कर दिया है ना वो तो लिखा ही जाएगा मेरी लाइफ में अब हमेशा के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सबको बहुत तरक्की दे, जीवन दान दे, सेहत बख्शे। अनिल चौधरी की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा उन बुजुर्गों को जो सरकारी वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा सकते, निःशुल्क वैक्सीन लगवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। अब दिल्ली के पंजाबी बाग में इन ऑक्सीजन मैन से मिली, ये लोग हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से संस्था चलाते हैं जिसके अध्यक्ष लोकेश मंजुला हैं, और इनकी टीम दिन रात लोगों की परेशानी सुनती है और जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाती है। इस संस्था ने अब तक 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हाहाकार मची पड़ी है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जगह है, ना सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जगह है, इसके अलावा लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही, लोगों की जाने जा रही हैं, उसके लिए हमारी जो एनजीओ है, जो संस्था है, उसने ये फैसला लिया था कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। हमने 150 एक सिलेंडर अभी तक लोगों को मुहैया करा चुके हैं। पंजाब विभाग की संस्था दिल्ली पुलिस के सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा रही है, क्योंकि ज्यादातर जरूरतमंद सबसे पहले दिल्ली पुलिस से मदद मांगते हैं। इसके अलावा इस संस्था में बिना किसी सरकारी मदद के पंजाबी बाग इलाके में एक कोविड सेंटर भी खोला है, जहां 10 ऑक्सीजन बेड लगाए गए और मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर और नर्सेस रखी गई। अब केरल से आई इस गुड न्यूज को देखें। कोरोना के इस काल में जब लोगों को अस्पताल तक जाने के लिए एक अदद एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में केरल के कोची में एक टेम्पो ट्रेवलर के मालिक ने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाने का फैसला किया है, जो कोरोना मरीजों के काम आएगा। महामारी के इस दौर में जब हर कोई डर के साए में जी रहा है, तो कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना मरीज की खुलकर मदद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में दंपति पुलिस विभाग की नौकरी करता है,
लेकिन लॉकडाउन में गरीब लोगों को दो वक्त का भोजन भी मुहैया कराता है। इनके और सहयोगियों के प्रयास से करीब 80 लोगों का रोजाना पेट भरता है। झुंड में भी बैठे हुए देख मैं इनसे संपर्क किया तो पूछा मैंने खाना ना खाया मिलता है कि नहीं, बोलते कोई व्यवस्था नहीं हो पाती खाने होने की। तब से हमारे मन में आया कि इनके लिए कुछ खाने व्यवस्था किया जाए, जिसमें हमारा एक छोटा सा पुलिस फ्रेंड ग्रुप है, हम लोगों पाँचों मिल के प्लान किए और इनके लिए दोनों टाइम खाने का व्यवस्था का प्रबंध किए। हमारा छोटा सा ग्रुप है जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाया है मैंने, पुलिस फ्रेंड्स ग्रुप 5 लोगों का है, जिसमें हम पाँचों मिल के हेल्प कर रहे हैं इनकी और भोजन की दोनों टाइम की व्यवस्था कर रहे हैं। वाकई ऐसे लोग हमारे समाज और देश के लिए वरदान, महामारी काल में एक मिसाल। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।